आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खो खो महिला प्रतियोगिता के खिताबी भिड़ंत कालीकट विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई विश्वविद्यालय ने कालीकट विश्वविद्यालय को 8-12 अंकों से पराजित किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने विजेता टीम का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मेडल पहनाकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, आयोजन सचिव डॉक्टर राजवीर सिंह का, आयोजक सचिव अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया की ब्रांडिंग, इस विश्वविद्यालय की ब्रांडिंग नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे होगी। हमारा विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण योगदान खेल जगत में पिछले कई दशकों से कर रहा है। विगत 2-3 सालों में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जूडो में, खो खो में हम लोगों ने, हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं। उसी कड़ी में ये आयोजन किया गया और हमारे ग्वालियर से हमारे कुलपति आए हुए थे, उन्होंने भी स्पोर्ट्स में अपनी एक हस्ती हैं, वो भी उपस्थित थे। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए और एक बहुत अच्छे वातावरण में, एक अच्छी याद के साथ, अच्छी मेमोरीज के साथ इस घटना संपन्न हुई है। और खिलाड़ी जो हमारे हैं वह इस क्षेत्र में जो नाम अपना रोशन करें, इसकी मैं भविष्य कामना करता हूँ, उज्ज्वल कामना करता हूँ, ताकि वह बेहतर से बेहतर करें और हमारा देश जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, खेल जगत में भी तेज़ी से अपना मान स्थापित करें और विशेष रूप से पूर्वांचल और हमारा विश्वविद्यालय उसमें अग्रणी भूमिका अदा करे। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी खिलाड़ियों को हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ।